दोस्तों, हमारे लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे बहुत से काम बिजली पर ही आधारित है और इस बिजली को उत्पादन करने के लिए हम काफ़ी अधिक मात्रा में कोयले का उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी नदियों में डैम बनाते हैं जिसे जल विद्युत हम तैयार करते हैं। तो वाटर और कोयला ये बहुत बड़े बिजली के स्रोत हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारी नेचर भी, हमारी प्रकृति भी बिजली का बहुत बड़ा स्रोत है। काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली तैयार होती है हमारे प्रकृति के द्वारा। कैसे? जैसे आजकल भारी बारिश हो रही है और इन बारिश के दिनों में आकाश में बिजली बनती है। उस बिजली का उपयोग तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बिजली से हम प्रभावित जरूर होते हैं। आप जानते हो, आप किताब में पढ़े होंगे कि समुद्र, महासागर ये जल वाष्प के बहुत बड़े स्रोत हैं। वाटर वेपर निकलते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर निकलता है। यह वाटर वेपर ऊपर जाता है और ऊपर के ठंडी वायुमंडल में के संपर्क में आकर फिर इसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। फिर कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? बादल बनते हैं। और बादल में जल वाष्प के कण यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। जो जल कण बनते हैं बादल में, ये घूमते रहते हैं, फिर ये आपस में टकराते हैं। हवा के संपर्क में नीचे से गर्म हवा जाती है, गर्म हवा फिर इन जल वाष्प, इन जल के बूंदों से टकराती है और ये जल के कण हवा की गति से घूमते रहते हैं चारों तरफ। इसे क्या होता है? घर्षण होता है। जल के बूंदों में, बादल में जो जल कण होते हैं, ये जल कण आपस में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, ये विद्युत आवेशित कण बनते हैं। देखिए, नेचर, प्रकृति की लीला कैसी अपरंपार है, कैसी अद्भुत है। प्रकृति यहाँ पर नेचर कैसे बनाती है? यहाँ बादल में जो जल कण होते हैं, जल की बूंदें जो आपस में टकराती है हवा की गतिमान से, इधर नीचे से गर्म हवा जाती है और गर्म हवा उन जल कणों की गति को और बढ़ा देती है। तो आपस में घर्षण से क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है। बादल में काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है क्योंकि जल की कण जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। टकराने से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अधिक मात्रा में तैयार होती है। बादल के ऊपरी भाग में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और नीचे निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आप जानते हो ना कि पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे बैटरी में एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है, उसी तरह से क्लाउड्स में, बादल में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। पॉजिटिव किधर होता है? बादल के ऊपरी भाग में पॉजिटिव और बादल के निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इनके आकर्षण से जब काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली तैयार होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स जब काफ़ी घने होते हैं, तो वे ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब दोनों टकराते हैं तो बिजली में काफ़ी अधिक मात्रा में चमक होती है और करोड़ों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। इससे उनके टकराने से और बिजली में लाइटनिंग होती है। आप जानते हो दोस्तों कि बिजली की जब चमक होती है तो उसकी गति बहुत अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से, इसी स्पीड की दर से बिजली अपनी गतिमान होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो इलेक्ट्रिक का जो मूवमेंट होता है, जो आकाश में बिजली चमकती है, इसी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है और इसी कारण हमें बिजली चमक जल्दी दिखाई देती है। जितने अधिक मात्रा में ये निगेटिव और पॉजिटिव टकराते हैं, उतने अधिक बिजली चमक होती है और गर्जन भी होता है, थंडरिंग होती है।
ये नीचे की तरफ क्यों आती है? जो बिजली जो चमकती है तो बिजली जो नीचे गिरती है जो काफ़ी डेंजरस होती है, बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा होती है, और कई कई जगह यानी ऊपरी हिस्से में पहाड़ों पर पठारों पर जब बिजली गिरती है तो बहुत लोग मर भी जाते हैं, और ऐसी मरने की खबर आप सुनते भी होंगे कि बहुत लोग, ये बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बिजली तैयार होती है नेचर के द्वारा आकाश में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, बादलों में, उसका 90% 90 से 95% तो ऊपर ही बादल में ही सिमट जाती है बिजली। उसका मुश्किल से 5% ही बिजली धरती पर आती है। धरती की तरफ क्यों आती है बिजली, जिसको हम बिजली गिरना कहते हैं, जो बहुत जानलेवा होती है, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो बादल के निचले हिस्से में क्या है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, निगेटिव आवेशित कण हैं, और पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या है, पॉजिटिव है। तो पृथ्वी आकर्षित करती है उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, बादल के नेगेटिव पार्टिकल्स को आवेशित करती है हमारी अर्थ, खींचती है, और जो भी जो गुड कंडक्टर होते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे पेड़ होते हैं, यहाँ तक हम मनुष्य होते हैं, जो भी गुड कंडक्टर होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, उसके माध्यम से बादलों से इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है, वह इलेक्ट्रिसिटी धरती पर आती है। ये गुड कंडक्टर पृथ्वी के जो सुचालक होते हैं, जो भी वस्तुएं गुड कंडक्टर होती है, वे उसको आकर्षित करती है बादल के बिजली को, इसीलिए हमारे पृथ्वी के तरफ वह बिजली खींची चली आती है, जो कि मनुष्य पर गिरती है तो बचना मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना रहा तो उसमें शक्ति इतनी होती है, हाई लाखों करोड़ों वोल्ट की बिजली तैयार होती है आकाश में प्रकृति के द्वारा। वैज्ञानिक भी इस अभी तक वह टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि आकाश में जो बिजली तैयार होती है प्राकृतिक बिजली, उसका हम उपयोग कैसे कर सकें। अभी तक वैसे वैज्ञानिक किसी तथ्य पर नहीं पहुँचे हैं कि हम उस बिजली को, आकाश में बनने वाली बिजली का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सी चीज़ें ध्वस्त हो जाती है। तो पृथ्वी पर पॉजिटिव चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, इसे बिजली गिरना बोलते हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे, जो व्यक्ति बाहर घूम रहे हों, खड़े होने वाले व्यक्तियों पर बिजली आकर्षित अधिक होती है। यदि मनुष्य का यदि जो व्यक्ति बाहर घूम रहा है उसका बाल यदि खड़ा हो जाता है, यदि त्वचा में झुर्री चली आती है, तो समझिए कि उस व्यक्ति के आसपास बिजली गिरने वाली है। अतः संभाल जाना चाहिए या तुरंत उसी समय बैठ जाना चाहिए। खड़े व्यक्तियों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है, बैठने पर कम होती है। तो आजकल बिजली गिरने की संभावना बारिश के दिनों में अत्यधिक हो जाती है। थैंक यू।